गोबर से मैंने धूप बना रहे हैं, गैया की प्योर गैया देसी गैया की गोबर से और गोमूत्र से इतने मेडिसिन बना रहे हैं, ऐसे कोई बीमारी नहीं जिससे वो सही नहीं होगा। हमारे गुरु जी की एक घोषणा है, दुर्गा सामग्री में एक संत सेवा करते हैं, पहले उनको श्वास का बीमारी थी लेकिन कोई दवाई काम नहीं की, लेकिन जब उन्होंने गो सेवा करना शुरू किया उसका जो गोमूत्र गोबर का जो स्मेल है उसका जो सुगंध से वो अपने आप सही हो गया, तो शरीर हिस्ट प्रोस्पेक्ट बढ़िया हो गया। गैया की सेवा से घर में लक्ष्मी की बढ़ोत होता है, इसलिए पहले हर घर घर में गैया को पालते थे, हर घर घर में गैया की सेवा करते थे। अभी कृष्ण जब और थोड़े से बड़े हुए, अभी मैया सोच रही है, नंद बाबा सोच रहे हैं, जिसकी मन में जो इच्छा हो कृष्ण को उसी नाम से बुलाते हैं, जिस बचपन में छोटू बड़ू जिसको जो इच्छा होता है बोलता है, लेकिन नियम होता है बच्चे का कोई एक निर्दिष्ट नाम होता है, पर उसी नाम से पुकारना फिर वो बच्चे को ऊपर अच्छे संस्कार पड़ते हैं। इसलिए क्योंकि जो नाम रखी जाती है जिस समय वो बच्चा जन्म लिया उसको नक्षत्र को देखते, वो नक्षत्र को देख करके एक अक्षर निकालते, वो अक्षर को पहले रख करके फिर उसका नाम को नामकरण होता है। देखो ये पूरा पूरा साइंस है, जैसे अभी है ना जो इच्छा बच्चों का नाम रख लेते, लेकिन पहले ऐसे नहीं होता था, पहले ज्योतिष को बुलाते थे, नक्षत्र देखते थे, फिर देख करके कोई नाम रखते, पूरा साइंस है। देखना जब किसी बेटा बेटी की शादी होती है हम जन्म पत्र मिलाते हैं ना, उसका जन्म पत्र क्यों मिलाते हैं, दोनों सुख शांति में रहे, जितने दोनों मिल करके भक्ति करे, दोनों मिलकर घर गृहस्थी करे है, इसलिए पहले देखना डायवर्स फायदा से नहीं होता था, क्योंकि पूरा नक्षत्र का हिसाब से पिता माता देख करके शादी देते थे है? लेकिन अभी इतने डायवर्स, अभी 50% डायवर्स हो रहे हैं, 50% डायवर्स कारण है हमने अपनी मन मर्जी जो बच्चा टुल्लू पुल्लू टिक्की पिक्की जो होता है ना कोई नाम दे देते हैं, और जब जन्म पत्र मिलाते हैं मिलता नहीं, पर तो लड़ाई झगड़ा होकर घर उनकी उल्टा सीधा हो जाती है। इसलिए इन्होंने नंद बाबा सोच रहे हैं लाला की कोई एक नाम करना हो जाए, लेकिन श्री वसुदेव महाराज सोच रहे हैं ये लाला तो मेरो है, इसलिए अगर ये नाम करना करेंगे तो अपना हिसाब से करेंगे, इसलिए उन्होंने गंगाचार्य को बुलाया, बोले आप तो त्रिकाल दृष्टा हो, आप थोड़ी सी ब्रज में जाओ और हमारे बच्चों का नामकरण करा दिया। गंगाचार्य प्रसन्न होकर के बोले भगवान का नाम करना इतने भाग्य की बात है, ठाकुर जी को गोद में लेके नन्हे नन्हे चरण नन्हे नन्हे हाथ लेके पकड़ कर गोद में लेके भगवान को है, जिनकी चरणी नकली छटा को ब्रह्मा तक भी दर्शन नहीं कर पाते, आज वो भगवान को गोद में लूंगा। जब उन्होंने नंद बाबा के घर में आए, नंद बाबा ने हमारे भाग्य जल दिया, बोले क्यों घर में संत आए, घर में संतों का चरण भी बड़ा है, आज घर में सत्य घर में सत्संग और हरि कीर्तन होगा। नंद बाबा कहते मेरा घर वैकुंठ बन गया। देखो यहाँ शिक्षा देते हैं, जब तक हमारे घर में भक्तों का चरण नहीं बढ़े, जब तक घर में हरि कीर्तन नहीं हो, जब तक घर में हरि चर्चा नहीं होना, कभी घर पवित्र नहीं होगा। जिस घर में हरि कीर्तन हरि कथा हो कहते ना मंगल भवन अमंगल हरि, घर का सारे अमंगल दूर हो जाता है। गर्गाचार्य को बोले जब कृपा करके आप आए हो हमारे दोनों बच्चों का नाम करने करवा दो, वो इसलिए तो आए अभी कृष्ण बलराम को लेकर के आए, पहला बेटा का नाम करने करवाया सीताओ भैया का, बोले अयमहि रोहिणी पुत्र रमया सुहित गुणै, बोले बड़ा बेटा का होगा बलराम, बोले क्यों, बोले बल्ला धिक्यात बलम कितु, ये बड़ा बलवान बच्चा है, एक तो शारीरिक बलवान और कृष्ण भक्ति की जो बल है कौन देते हैं, मुझे गुरु जी देते हैं, और गुरु तत्व का जो मूल है श्री राम भैया, इसे राम मतलब होता है सबको आराम देगी है, सबका मन को आनंद देगी, इसलिए इनका नाम होगा बल राम होगा, एक नाम होगा शंकर सर, पहले ये देव के गर्भ में आए फिर योग माया आकर्षण करके रोहिणी गर्भ में स्थापन की, इसलिए इसका नाम होगा संकर्षण। अभी कृष्ण का नाम करने करके गर्गाचार्य जब ध्यान लगाए ना, उनका ध्यान ही लग गई, ध्यान रुक ही नहीं रहा था, बोले क्यों, बोले भैया जिसका एक दो तीन चार नाम हो फिर तो कोई नाम दे दो,
उन्होंने देखा सारा दुनिया में जितने नाम है सब इन्हीं के नाम है। भैया इसको कौन सा नाम दे, कहते ना हरि आनंद हरि कथा आनंद, कौन सा नाम दे। उन्होंने आंख बंद किया तो देखा विश्व ब्रह्मांड को देख रहे थे, कितने ब्रह्मा कितने शंकर कितने रुद्र जिनके शरीर से प्रकट हो रहे हैं, दुनिया में सब नाम इन्हीं के नाम है। अभी चक्कर में पड़ गए, भाई भैया नाम दो तो किसका नाम दो, कौन सा नाम दो। नंद बाबा का हाथ हिला हिला बोले बोलना कौन सा बेटा का नाम दो। बोले तुम्हारी जो बेटा है ना, बोले आसन वर्णस्त्रयो शुक्ल रक्तस्तथापीतानी कृष्ण दाम तुम्हारे लाला ये हर युग युग में आता है, सत्य युग में ये शुक्ल वर्ण धारण करके आया था, त्रेता युग में रक्त वर्ण, और तुम्हारे यही लाला कलयुग जब आएगा श्री नवद्वीप में श्री सच्चिदानंद गौर हरि श्रीमन महाप्रभु रूप में आएंगे, संपूर्ण विश्व में हरि कीर्तन करते हुए संपूर्ण विश्व को उन्हें कृष्ण भक्ति धर्म से कृष्ण नाम से सबको पागल बनाएंगे। और एक दिन ऐसे आएगा गोरे और काले ये दोनों मिल करके बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जोर से बोलो बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन आएगा देखो हम लोग जो तिलक देख रहे हैं ना गले में पट्टी, इसको उनका नाम सुना हम लोग ये कहाँ से श्री चैतन्य महापुरुष उस द्वापर युग में गर्गाचार्य बोले थे एक दिन ऐसे आएगा तुम्हारी ये जो बेटा है विश्व ब्रह्मांड में ये हरि कीर्तन को प्रचार करेगा, हाँ विश्व ब्रह्मांड का हरि कीर्तन प्रचार करेगा। इसलिए महाप्रभु आए थे, इसलिए थोड़ी बहुत ना ये कीर्तन हरि कथा तिलक कट्ठी माला में देखने को मिलता है। अगर ये महाप्रभु नहीं आते ना ये घोर कलयुग आ जाता, घोर मार मार काट काट ये सब शुरू हो जाता, लेकिन महाप्रभु आने के नाते हरि कीर्तन उन्होंने प्रचार किया, हरि कीर्तन से दुनिया में बड़ा शांति और सुख दुनिया में, ये महाप्रभु का कृपा है। इसलिए उन्होंने द्वापर युग में बता दिया ये कलयुग में नवद्वीप में श्री सच्चिदानंद गौर हरि करके आएंगे। बोले इदानी कृष्ण धाम, अभी ये कृष्ण रूप लेकर के आए इसलिए इनका नाम होगा कृष्ण नाम होगा, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले इनका नाम कृष्ण क्यों होगा, उदाहरण दिया जैसे घनश्याम है, इसलिए ब्रह्मा जब स्तुति करते हैं बोले नव विद्यते अभ्र वपु से, ब्रह्मा स्तुति क्या बोले प्रभु आपका रंग कैसे है बोले वर्षाल मेघ जैसे, बोले कैसे क्यों बोले मेघ जब पानी कोई मेघ है पानी का एक नाम कृपा है, जब मेघ घनाभूत घनीभूत हो जाता है तब काला बादल बन जाता है, मतलब जो कृष्ण है हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु ये दीनों का बंधु है, करुणा के समुद्र भगवान बड़े दयालु कृष्ण है, इसलिए उनको बताए कृष्ण है। और क्री क्री मतलब क्या होता है आकर्षण करना, हमारा जो मन है ये बड़ा चंचल है, अगर कोई क्री बोलेगा ना चंचल मन कंट्रोल हो जाता है, स्ना मतलब सबको जो आनंद दे मन को आकर्षण करे और सबको जो आनंद प्रदान करे इसका नाम होगा कृष्ण नाम होगा। बोले तुम्हारी ये जो बेटा है ना ये हर युग युग में आता है और इसके इतने नाम इतने गुण इतने महिमा वेद में जिसको था नहीं पाता है। जब उन्होंने कृष्ण की बड़ी महिमा को गा रहे थे वहां पर भैया जसोदा भी बैठी हुई थी, जसोदा सोच रही है पंडित जी कोई काम की नहीं, बोले क्यों बोले कोई काम की बात ही नहीं कर रहे हैं, तेरे बेटा का इतना नाम इतने युग में इतने महीना अरे हमारे उसमें क्या मतलब है, कहते माता का क्या मतलब है, माता लोग क्या चाहती है, माता की इच्छा है बेटा जल्दी जल्दी बड़ा हो और घर में एक बहू आ जाए, अरे बहू जब तक नहीं आती ना तब तक माताओं का घर का सारे काम काज करना पड़ता है, घर पर जब बहू आ जाए फिर तो बैठ बैठ करके फिर चुपड़ी चुपड़ी घी की चुपड़ी रोटी खाती है, फिर तो घर के साथ में बुलाती है, इसलिए हर माँ सोचती है लाला जल्दी बड़ा हो जाए और लाला की शादी होकर घर में बहू आ जाए, इसलिए मैया सोच रही है पंडित
काम की बात भेज ही रहे, बिना काम की बात करते हुए जा रहे। भैया तो बोली वाली संस्कृत जानते नहीं, देखो एक श्लोक का दो अर्थ हो जाता है। बोले बहुनी शक्ति नामानी, वो कह रहे तेरे जो बेटा है ना इसको बहुत नाम बहुत रूप गुण होगा, लेकिन भैया अपना मन मन में उसको अर्थ लगा रहे। बोले बहुनी शक्ति, वो सोच रहे साहब पंडित जी कह रहे तेरे बेटा का बहुत बहु होगी। बोले अच्छी बात है, जितने बहु होगी सास का उतने सेवा करेगी। सचमुच से एक तरह आधारणी थी रजनी, ललिता विशाखा चंपकलता चुंबक विद्या चित्रा सुचित्रा रंग देवी सुंदर। फिर कृष्ण देव रास करते हैं, प्रसाद करोड़ों गोपियों के साथ में प्रभु रास की है। भैया खुश हो गई पंडित जी, फिर जब द्वारका में गए फिर 16108 पटनारियों से शादी की, और रूपाणी पर उनका रूप भी कोई काली कोई गोरी कोई साधारण रंग की, उसमें जो काली में थी वो काली रंग की थी है। इसलिए बोले भाई कोई नहीं जरूरत, काली हो गोरी हो कोई मतलब नहीं, ज्यादा बहू होनी चाहिए है। वो तो बड़ी प्रसन्न हो गए। विवाह पंडित बढ़िया बात बता रहे, देखो पंडित अगर आपको मन में थोड़ी बात बता देना हमारे भाग्य उज्जवल है, भाग्य रेखा बहुत बढ़िया, आगे जाकर के बड़ी समृद्धि होगी बढ़िया, फिर हम खुश हो जाते हैं ना प्रसन्न। भली उल्टा उल्टा अगर पंडित अगर सही बड़ी सी प्रशंसा करते ना खुश हो जाते। बोले पंडित काम की बात बताए, कितने में उन्होंने कृष्ण को उनके जन्म ले जाते। बोले बाबा लाला का आशीर्वाद दो गर्गा चाचा तो गर्ग। बोले क्यों, उनको पता है कृष्ण भगवान है और कहा मेरे चरण में लेटा रहे, लेकिन ऊपर ऊपर से मेरा आशीर्वाद दिए और पंडित जी बढ़िया भैया ने दक्षिणा दी और पंडित प्रसन्न होकर गर्गाचार्य प्रसन्न होकर गए। हमारे कितने भाग्य है प्रभु की, हमने नाम करना हमने प्रभु की करवाए। अभी जब पंडित जी चले गए अभी गांव के जितने माताएं प्रश्न करती हैं, बोले जसोदे पंडित जी बच्चे का नाम क्या रखा। बोले बड़ा बेटा का नाम रखा बलराम और छोटा बेटा का नाम रखा कृष्णा। बोले नाम तो बड़े बच्चे वाले हैं बलराम और कृष्णा, लेकिन ये जो कृष्ण नाम है ना ये बड़ा टेढ़ा नाम है। देखना ये जी जब तक तीन बार पलट नहीं जाए तब तक ये कृष्ण नाम ही नहीं निकले। जैसे कृष्ण टेढ़े है ना उनका नाम भी टेढ़े, वृंदावन में गए उनकी गली भी टेढ़ी, ब्रज का बोली भी टेढ़ी। इसलिए हमारे एक भक्त बोले तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, गोकुल तेरी टेढ़ो यमुना तेरो टेढ़ो, टेढ़ो रे टेढ़े तेरे जसोदा की मैया, तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तो टेढ़ो तेरी कृष्ण सोच रहे भैया ब्रज में जो आए ना
सबके सब एक चीज प्रार्थना करते हैं। श्री रसधान कहते हैं कहते रमण रेती लेप नहीं क्यों ना जमना पान, रे मन तो क्या समझो ब्रज की सप्तमा। ब्रज में जाकर दो काम जरूर करनी चाहिए, एक तो रमण रेती में लोट को उठानी चाहिए, दूसरा काम जमना का स्नान, जमना की आचमन करनी चाहिए। तो क्यों बोले ये जमना है वो नदी नहीं, ये जमना कैसे प्रकट हुई। एक समय कृष्ण अपना राग सुने, अपना भजन सुने तो भगवान का हृदय प्रेम में द्रवीभूत हुआ। द्रवीभूत होने पर प्रभु ने शरीर से पसीना भी लिए प्रेम से। मैया यशोदा उनको मोटी मोटी काजल लगा कर रखती थी, वो पसीना काजल में लगते ही हो गए काली। फिर प्रभु भगवान का बख्य स्थल को भिगा कर लिए, चरण को स्पर्श करते हुए जब गई, ये कौन हो गई, ये जमुना पटरानी। इसलिए बोले चिदानंद भानु सदानंद सुनो परम प्रेम गात्री लघा नाम अभेत्री। ये जो यमुना नदी है कभी ये यमुना नहीं, तो राधा कृष्ण का प्रेम जब द्रवीभूत होकर के पायलों को धारण करती है ये जमुना पटरानी। गिरिराज कौन है, बोले राधा कृष्ण का प्रेम जब एक जगह पर जम जाती है कहते हैं श्री गिरिराज गोवर्धन है, बोले श्री गिरिराज बाबा की। इसलिए अब जो ब्रज रज है कृष्ण सोच रहे हैं भैया जो आए ना कहते राधे से गायन कर गोविंद हरि लाल की जय राधे तेरी जय।